अच्छे और सच्चे जनसेवक चुन के आए, जो प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के गरीब कल्याण की योजना और विकास के कामों को क्रियान्वित करें, जो राज्य सरकार की योजनाओं को इसे जन जन तक पहुंचाए, इसके लिए आवश्यक है भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि चुनकर आए। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है। महाविजय के संकल्प के साथ आज कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और अच्छे साथी चुनाव में विजय होके जनता की सेवा के काम में लगे, इसके लिए हमने शंखनाद कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी महाविजय प्राप्त करेगी। अभियान प्रारंभ हो गया है, संघ हो गया है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के प्रदेश कार्यालय में चुनाव प्रबंधन का हमारा जो कार्यालय है इसका विधिवत पूजन करके माननीय मुख्यमंत्री जी और हम सब लोगों ने आज शुभारंभ किया है। आज महत्वपूर्ण दिन है और मध्य प्रदेश के चुनाव आयोग ने भी ग्रामीण निकाय के चुनाव की आज घोषणा की है, आचार संहिता लागू हुई है। इसलिए मध्य प्रदेश के ग्रामीण निकाय और स्थानीय निकाय के चुनाव की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता हमारा नेतृत्व संकल्प धोकर के इस चुनाव को प्रतिबद्धता के साथ हम ऐतिहासिक बहुमत के साथ जीते। तो आज इस चुनाव कार्यालय से हमारी इसकी शुरुआत हुई है। कार्यकर्ता तो पहले से ही प्रत्येक बूथ पर, हम सब लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुनावी मैदान में आज से नहीं बहुत पहले से चुनावी तैयारियों में जुटे हैं। आज से इसका विधिवत प्रारंभ हुआ है, इसलिए मैं सभी मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं को, बूथ के एक एक कार्यकर्ता से लेकर के हमारे सभी नेतृत्व को आज शुभकामना और बधाई देता हूं। और मैं सबसे अपील करता हूं कि चुनावी मैदान में जो आज आचार संहिता लागू हुई है कि 23,000 पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में माननीय मोदी जी के वो काम जो गरीब कल्याण के लिए, गरीबों के जीवन बदलने का जो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारी केंद्र राज्य की सरकारों ने किया है, हम ऐतिहासिक बहुमत के साथ ग्रामीण निकाय के और नगर निकाय के चुनावों को जीतेंगे। आज ही हम सब लोगों ने संकल्प लिया।